धम्म पद भगवान बुद्ध के वचनों का अनूठा संग्रह धम्म पद इसे मानवता की दिग्दर्शिका गाइड टू द ह्यूमैनिटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ग्रंथ त्रिपिटक के खुद्दक निकाय का अंग है। इसमें 26 वग अर्थात वर्ग अथवा अध्याय हैं, जिनमें कुल 423 गाथाएं हैं। गाथा का शाब्दिक अर्थ होता है गेय पद, अर्थात वे पद जिनका संगायन किया जा सके। धम्म पद की प्रत्येक गाथा गेय है। ये दुनिया का अकेला ग्रंथ है जिसका विश्व की लगभग हर भाषा में अनुवाद हुआ है। ये है तो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह, है तो एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन वास्तव में यह मानवता की निधि है, दुनिया की धरोहर है। जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर का कहना है, पाली ग्रंथ धम्म पद मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। निश्चित रूप से ये पद्यों का अत्यधिक रोचक संग्रह है जो बौद्ध विचारों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। धम्म पद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान अल्बर्ट जे एडमंड कहते हैं, यदि एशिया खंड में किसी अविनाशी ग्रंथ की रचना हुई है तो वह यही है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है, बौद्ध धर्म का यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है। भगवान बुद्ध की कल्याणकारी शिक्षाओं तथा बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याओं का अनुपम संग्रह यदि एक स्थान पर देखना हो तो वह धम्म पद में ही देखने को मिलेगा। धम्म जगत के सुविख्यात आचार्य डॉक्टर भदंत आनंद कौसल्यायन कहते हैं, और केवल एक पुस्तक को जीवन भर साथ बनाने की यदि कभी आपकी इच्छा हुई तो विश्व के पुस्तकालय में आपको धम्म पद से बढ़कर दूसरी पुस्तक मिलना कठिन है। दुनिया के विद्वान इस ग्रंथ का गुणगान करते हैं। बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया इत्यादि बौद्ध देशों में आज भी धम्म पद के अखंड पाठ की परंपरा जीवित है। श्रीलंका में धम्म पद के पारायण के बिना भिक्खु की उपसंपदा नहीं होती। कई बौद्ध देशों में भिक्खु संघ को संपूर्ण धम्म पद कंठस्थ कराया जाता है। आज भी धम्म पद की 423 गाथाएं 26 वग में संकलित हैं। ये गाथाएं न केवल धम्म का सार हैं, बल्कि धम्म की दृष्टि से कई शब्दों को भी उनके वास्तविक अर्थों से परिचित कराती हैं, जैसे ब्राह्मण, पंडित, आर्य इत्यादि। भगवान बुद्ध की देशनाओं के अनुसार ये गुणवाचक संज्ञाएं हैं, न कि जातिवाचक अथवा नस्लवादी उपमाएं। राजेश चंद्रा और भास्कर साल्वे कमलवीर की जुगलबंदी में प्रस्तुत है संपूर्ण धम्म पद का सस्वर सानुवाद संगायन। इस संगायन को कल्याण थाट के राग यमन और भूपाली में स्वर दिया है भास्कर साल्वे कमलवीर और अनुवाद को स्वर दिया है राजेश चंद्रा ने। इस संगायन को सुनना भी पुण्यकारक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मपद
यमक वग्गो मनो पुबंगमाधम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं ववहतो पदं। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रदूषित मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे पैरों के पीछे गाड़ी के पहिए चलते हैं। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। मन समस्त धर्मों का पूर्वगामी है, समस्त धर्म मनोमय है, मन श्रेष्ठ है। जब भी व्यक्ति प्रसन्न मन से बोलता या कार्य करता है तो सुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया पीछे पीछे चलती है। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं उपनयन्ति वेरंते संन सम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें सोचते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे एचतं न उपनयन्ति वेरंते सुपसम्मति। मुझे आक्रोशित किया, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, मुझे लूट लिया। जो ऐसी बातें नहीं सोचते उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरे न वेरानि सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरे न च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एस धम्मो सनंतनो, यही सनातन धर्म है। परे चन विजानन्ति मयमेथ यमामसे एच तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। अज्ञानी लोग नहीं विचारते कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो विचारते हैं उन ज्ञानियों की कलह शांत हो जाती है। सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंतं भोजनं हि अमत्तयुं कुसीतं हीनवीर्यं तंगवे पसहति मारो वातो रुखं व दुबलं। जो शुभ शुभ को ही देखते हुए विहार करते हैं, काम भोग के जीवन में रत रहते हैं, इंद्रियों से असंयमी हैं, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान नहीं रखते, जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं, उन्हें मार वैसे ही गिरा देता है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंतं भोजनं हि च मत्तयुं सद्धं आरद्धवीर्यं तंग्वे न पसहति मारो वातो सेलं व पब्बतं। जो अशुभ को देखते हुए विहार करते हैं, काम भोगों के जीवन में रत नहीं होते, जिनकी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान
और उद्योगी है, उसे मार वैसे ही हिला नहीं सकता जैसे वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं पाती। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सती अपेतो दमसच्चेन नसो कासाव मरहति। जो मन को निर्मल किए बिना काषाय वस्त्रों को धारण करता है, सत्य और इंद्रिय दमन से रहित वो व्यक्ति काषाय वस्त्रों का अधिकारी नहीं है। यो चवंतक सावस सीलेसु सुसमाहितो उपेतो दमसच्चेन सवे कासाव मरहति। जिसने अपने मन के मैल को दूर कर लिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम से युक्त है, वो व्यक्ति ही काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असार को सार और सार को असार समझने वाले मिथ्या संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त नहीं करते। सारं च सारतो यत्वा असारं च असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्प गोचरा। सार को सार और असार को असार समझने वाले सम्यक संकल्पों से युक्त मनुष्य सार को प्राप्त करते हैं। यथागारं दुच्छन्नं उठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। यदि घर की छत में छेद हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी आ जाता है, ऐसे ही संयम रहित चित्त में राग प्रविष्ट हो जाता है। यथागारं सुच्छन्नं उठीन समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। यदि घर की छत छेद रहित हो तो जैसे उसमें बारिश का पानी नहीं आ पाता, उसी प्रकार संयमित चित्त में राग प्रविष्ट नहीं होता। इध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहयति दिस्वा कम्म किलिठ मत्तनो। पापी मनुष्य उभय लोक में शोक करता है, यहाँ भी और वहाँ भी, अपने दूषित कर्मों को देखकर शोक करता है, फल पाकर और भी पीड़ित होता है। इधमोदति पेच्चमोदति कतपुयो उभयत्थमोदति सोमोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। पुण्यकर्मी उभय लोक में मुदित होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, विशुद्ध कर्मों को करते समय मुदित होता है, उसके फल पाकर और भी मुदित होता है। इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति पापं मे कतंति तप्पति भीयो तप्पति दुग्गतिंगतो। यहाँ भी संतप्त होता है, वहाँ भी संतप्त होता है, पाप कर्मी उभय लोकों में संतप्त होता है, मैंने पाप किया है ये सोच कर संतप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त हो और भी संतप्त होता है। इधनंदति पेचनंदति कतपुयो उभयत्थनंदति पुयं मे कतंति नंदति भीयो नंदति सुगतिंगतो। यहाँ भी आनंदित होता है, वहाँ भी आनंदित होता है, पुण्यकर्ता उभय लोक में आनंदित होता है, मैंने पुण्य कर्म किए हैं ये सोचकर आनंदित होता है, सुगति को प्राप्त हो और भी आनंदित होता है। बहुं पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो
गोपो व गावो गणयं परेशं न भागवासामयस्स होति। धम्म संहिताओं का कितना ही पाठ करे लेकिन यदि प्रमादवश उसके अनुसार आचरण न करे तो बस गाय गिनने वाले गोपालक की तरह वो श्रवणत्व का भागीदार नहीं होता। अपम पिचे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी, रागं च दोषं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुत्त चित्तो अनुपादियानो इधवाहुरं वा सभागवा सामयस्स होति। धम्म संहिताओं का चाहे थोड़ा ही पाठ करे लेकिन जो राग द्वेष मोह रहित व्यक्ति धम्म अनुसार आचरण करता है ऐसा बुद्धिमान अनासक्त उभय लोकों के भोगों की ओर न भागने वाला धम्मचारी ही श्रवणत्व का भागीदार होता है। अपमाद वग्गो। अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमियन्ति ये पमत्ता यथामता। अप्रमाद अमृत पद है, प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मरे हुए के ही समान है। एतं विशेषतो यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे पमोदन्ति अर्यानं गोचरेरता। अप्रमाद के विषय में उसे इस विशेषता को जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ते झाइनो साततिका निचं दढ़ परक्कमा फुसंति धीरा निबानं योगक्षेमं अनुत्तरं। ध्यान करने वाले जागरूक नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले वीर जन अनुत्तर योग क्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उठानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो संयतस्स च धम्मजीविनो अपमत्तस्स यशो भिवंडति। उद्योगी जागरूक पवित्र कर्म करने वाले सोच समझकर काम करने वाले संयमी धम्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपं कैराथमेधावी यं ओघो नाभिकीरति। मेधावी मनुष्य उद्योग अप्रमाद संयम और दम द्वारा ऐसा दीप बनावे जिसे बाढ़ डुबो न सके। पमाद मनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेठं वरक्षति। मूर्ख दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं, मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। मा पमाद मनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवं अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। पमादं अपमादेन यदानुदति पंडितो पय्या पासाद मारुह्य अशोको सोकिनिं पजं पब्बतट्ठो व भूमट्ठे धीरो बाले अवेखति। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ
वो शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक ग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर देखता है। अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंवसीघसो हित्वायाति सुमेधसो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे निकल जाता है। अपमादेन मघवा देवानं सेठतंगतो अपमादं पसंसंति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अणुं थूलं डहं अग्गीव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्खु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ चलता है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अबभो परिहानाय निब्बानस्येव संतिके। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्खु का पतन होना असंभव है, वो निर्वाण के समीप ही है। चित्तवग्गो फंदनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं। चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। वारिजो वथलेखितो ओकमूकत उभतो परिफंदतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जलाशय से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है वैसे ही चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। दुन्निगहस्स लहुनो यत्थ काम निपातिनो चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दंतं सुखावहं। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है साधु। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं चित्तं रखेय मेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत निपुण जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। दूरंगमं एकचरं असरिरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे संति मोक्षन्ति मार बंधना। जो दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार गुही आशय चित्त का संयम करेंगे वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। अनवट्ठित चित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो परिप्लव पसादस्स पय्यान परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धम्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वो कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। अनवस्सुत चित्तस्स अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीनस्स नत्थि जागरतो भयं। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं है।
कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेत मारं पञ्यायुधेन जितं च रखे अनिवेशनोसिया। काया को मिट्टी की तरह नश्वर जान और चित्त को नगर की तरह सुरक्षित जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अचिरं वतयं कायो पठवीं अधिशेषती शुद्धो अपेत वियाणो निरथं व कलिंगरं। अहो, ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काट की भांति भूमि पर जा पड़ेगा। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरी वापन वेरिनं मिच्छा पहिनितं चित्तं पापयोनं ततो करे। शत्रु शत्रु की या वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। नतं माता पिता कैरा अये वापी च यातका सम्मापणिहितं चित्तं सेयसोनं ततो करे। न माता न पिता न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है। पुप्फवग्गो कोइमं पठवी विजेसति यमलोकं च इमं सदेवकं को धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। कौन है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा? कौन चतुर पुरुष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा? सेखो पठवी विजेसति यमलोकं च इमं सदेवकं सेखो धम्मपदं सुदेशितं कुशलो पुप्फमिव पचेसति। साक्ष ही है जो देवताओं सहित इस यमलोक तथा पृथ्वीलोक को जीतेगा। चतुर साक्ष अच्छी तरह से उपदिष्ट धम्म के पदों का पुष्प की भांति चयन करेगा। फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरिचि धम्मं अभिसंबुधानो क्षेत्वान मारस्स पपुप्फकानि अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे। इस काया को फेन के समान या मरु मरीचिका के समान जान, मार के फंदे को तोड़ यमराज के लिए अदर्शनीय बन जाओ। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं सुत्तं गामं महोगो मच्चु आदाय गच्छति। राग आदि पुष्पों के चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु वैसे ही बहा ले जाती है जैसे सोते हुए गांव को नदी की बाढ़ बहा ले जाती है। पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्त मनसं नरं अतीतं एव कामेषु अंतको कुरुते वसं। राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को यमराज काम भोगों में अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है। यथापि भमरो पुप्फं वर्ण गंधं अहेठयं पलेति रसमादाय एवं गामे मुनीचरे अनिमित्तो च विमोक्षो यस्स गोचरो आकाशेव शकुन्तानं पदं तस्स दुरन्नयं। जिनके आश्रव क्षीण हो गए, जो आहार में आसक्त नहीं, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण जिनके गोचर हैं, उनकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है जैसे आकाश में पंछियों की गति अज्ञेय होती है। यस्सिन्द्रियानि समथंगतानि अस्सा यथा सारधिना सुदंता पहीनमानस्स अनासवस्स देवापितस्स पिहयतीतादिनो।
सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़ों की तरह, जिसकी इंद्रियां शांत हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, जो आश्रव रहित है, ऐसे पुरुष की देवता भी इस प्रहा करते हैं। पठवी समोन विरुज्झति इंदखीलूपमो तादी सुब्बतो रहदो अपेत कद्दमो संसारान भवन्ति तादिनो। इंद्रकील के समान अचल व्रतधारी उसी तरह क्षुब्ध नहीं होता जैसे पृथ्वी, उस स्थिर पुरुष में उसी तरह संसार का मल प्रवेश नहीं करता जैसे कर्दम रही सरोवर में। संतं तस्स मनं होति संता वाचा च कम्म च सम्मदया विमुत्तस्स उपसंतस्स तादिनो। उपशांत ज्ञान द्वारा पूरी तरह मुक्त हुए उस स्थिर चित्त पुरुष का मन शांत होता है, वाणी शांत होती है। असद्धो अकतयुच संधिच्छेदो चयो नरो हतावकासो वंतासो सवे उत्तम पोरिसो। जो अंधश्रद्धा से रहित है, जिसने निर्वाण को जान लिया है, जिसने बंधनों को काट दिया है, जिसके पुनर्भव की गुंजाइश नहीं, जिसने विषय भोग की आशा को त्याग दिया है, वही उत्तम पुरुष है। गामे वा यदि वा रये निन्ने वा यदि वा थले यत्थारहंतो विहरन्ति तं भूमिं रामणेयकं। गांव हो या जंगल, नीची भूमि हो या ऊंचा टीला, जहाँ अरहत रमण करते हैं वही भूमि रमणीय है। रमणीयानि अरण्यानि यत्थन रमति जनो वीतरागारमिस्संति नते काम गवेसिनो। रमणीय वन जहाँ लोग रमण नहीं करते वहाँ वीतरागी रमण करते हैं, क्योंकि वो काम भोगों के पीछे दौड़ने वाले नहीं होते। सहस्वगो सहस्रमपिचे वाचा अनथ पद संहिता एकं अथ पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों वाणियों से एक उपयोगी पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। सहस्रमपिचे गाथा अनथ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त सहस्रों गाथाओं से एक उपयोगी गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती हो। यो च गाथा सतं भासे अनर्थ पद संहिता एकं धम्म पदं सेयो यं सुत्वा उपसम्मति। अनर्थकारी पदों से युक्त कोई 100 गाथाएं कहे, उससे एक धम्म पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शांति प्राप्त होती है। यो सहस्रं सहस्रेण संगामे मानुषे जिने एकं त्यजेय मत्तानं सवे संगाम जुत्तमो। अंत करो। उदकं हि नयन्ति नित्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता। पानी ले जाने वाले पानी को ढालते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ढालते हैं, बढ़ई लकड़ी को ढालते हैं और सुवृति जन अपने मन का दमन करते हैं। जरावग्गो कोनु हासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सती अंधकारेन ओनद्धा पदीपं नगवेसथ। सब कुछ जल रहा है, तुम्हें हंसी और आनंद सूझता है, अंधकार से घिरे रहकर भी तुम प्रदीप को नहीं खोजते। पश्चित्तकतं बिंबं
अरुकायं समुस्थितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्सनत्ति धुवंथिति। इस विचित्र शरीर को देखो जो व्रणों से युक्त है, जो फूला हुआ है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है। परिगिर्णमिदं रूपं रोगनिढं पभंगुरं भिज्जति पूति संदेहो मरणंतं हि जीवितं। ये शरीर जीर्ण शीर्ण है, रोग का घर है, भंगुर है, सड़ कर भग्न होने वाला है, सभी जीवितों को मरना होता है। यानि मानि अपत्थानि अलाबुनेव सारदे कापोतकानि अठीनि तानि दिस्वान कारति। ये जो शरद काल की सी अपथ लौकी की तरह या कबूतरों की सफेदी की सी सफेद हड्डियां हैं, उन्हें देखकर शरीर में किसी की क्या रति होगी। अठीनं नगरं कतं मनस लोहित लेपनं यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो। हड्डियों का नगर बनाया गया है, मांस और रक्त से लेपा गया है, इसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरं पि जरं उपेति सतं च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभी पवेदयन्ति। सुचित्रित राजरथ पुराने पड़ जाते हैं, शरीर जरा को प्राप्त हो जाता है, किंतु बुद्धों का धम्म जरा को प्राप्त नहीं होता। संत जन सत्पुरुषों से ऐसा कहते हैं। अपसुतायं पुरिसो बलिवद्दो वजीरति मनसानि तस्स वढ्ढन्ति पैया तस्स न वढ्ढति। अज्ञानी पुरुष बैल की तरह बढ़ता जाता है, उसका मांस बढ़ता है, प्रज्ञा नहीं। अनेक जाति संसारं संधा विस्संग अनिबिसं गहकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनगेहन काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गहकुटं विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्नानं खय मज्जगा। गृहकारक को ढूंढते ढूंढते मैं अनेक जन्मों तक लगातार संसार में दौड़ता रहा, बार बार जन्म लेना दुखदायक है। हे गृहकारक, तू दिखाई दे गया, अब फिर घर नहीं बना सकेगा, तेरी सब कड़ियां टूट गई हैं, घर का शिखर बिखर गया है, चित्त संस्कार रहित हो गया है, तृष्णाओं का क्षय हो गया। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा योबने धनं जिन्न कोचाव झायन्ति खेल मच्छेव पल्लले। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो बिना मछली के तालाब में बूढ़े क्रौंच पंक्षी की तरह ध्यान लगाते हैं। अचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा योबने धनं सेन्ति चापाति खिणाव पुराणानि अनुत्थनं। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिन्होंने यौवन में धन नहीं कमाया, वो टूटे धनुष की तरह पुरानी बातों पर पछताते हुए पड़े रहते हैं। अत्वग्गो अत्तानं च पियं जय्या रक्षेयतं सुरक्षितं तिन्नमय्य तरं यामं पटिजग्गेय पंडितो। जिसे स्वयं से प्रीत है वो स्वयं को सुरक्षित रखे। पंडित जन रात के तीन प्रहरों में से एक प्रहर जागता रहे। अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेशये अथय मनुसासेय न किलिसेय पंडितो। जो उचित है यदि उसे पहले स्वयं आचरण कर दूसरे को उपदेश दिया जाए तो पंडित जन को क्लेश न हो। अत्तानं चे तथा कैरा यथं च मनुसासति
सुदंतवत दम्मेथ अत्ताहि किरदुद्दमो। यदि पहले स्वयं वैसा करे जैसा औरों को उपदेश देता है तो अपने को दमन कर सकने वाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने को दमन करना ही कठिन है। अत्ताहि अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया अत्तनाव सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। मनुष्य अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। अपने को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व को पाता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं अभिमत्थति दुम्मेधं वज्रं वस्ममयं मणि। अपने से पैदा हुआ, अपने से उत्पन्न, अपने से किया गया पाप दुर्बुद्ध मनुष्य को वैसे ही पीड़ित करता है जैसे पाषाणमय मणि को वज्र पीड़ित करता है। यः सच्चन्त दुःशील्यं मालुवासालमिवोततं करोति सो तत्तानं यथानं इच्छति दिशो। शाल वृक्ष पर फैली मालुवा लता की भांति जिसका दुराचार फैला हुआ है वो अपने लिए वैसा ही करता है जैसा उसके शत्रु चाहते हैं। सुकरानि असाधुनि अत्तनो अहितानि च यंगवे हितं च साधुं च तंगवे परम दुःकरं। बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों का करना आसान है लेकिन शुभ और हितकर कार्यों का करना बहुत कठिन है। यो शासनं अरहंतं अरियानं धम्मजीविनं पटिको सति दुम्मेधो दिठिं निस्साय पापिकं फलानि कट्ठकस्येव अत्तधग्गाय फलति। भ्रांत सिद्धांत का अनुयायी होने के कारण जो दुर्बुद्धि धम्मजीवी आर्य अरहतों के शासन की निंदा करता है वो बांस के फल की भांति आत्महत्या के लिए ही फलता है। अत्तनाव कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति अत्तना अकतं पापं अत्तनाव विसुज्जति शुद्धि अशुद्धि पच्चतं नायो अयं विशोधये। अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है, अपना ना किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है, एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापीन हापये अत्तदत्थम अभियाय सदत्थ पशुतोषिया। दूसरों के हित के लिए अपने हित की बहुत अधिक उपेक्षा भी न करें, आत्मार्थ को जानकर सद्धर्म में लगे रहें। लोकवग्गो। हीनं धम्मं न सेवेय पमादेन न संवसे मिथ्या दिट्ठिं न सेवेय न सिया लोकवर्धनो। हीन धर्म का पालन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्या धारणा न रखें और आवागमन को बढ़ाने वाला न बने। उत्तिष्ठे नपमजेय धम्मं सुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। उठो, आलस न करो, सुचरित धम्म का आचरण करो। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। सुचरित धम्म का आचरण करें, दुष्चरित कर्म का त्याग करें। धम्मचारी इस लोक और परलोक में सुख से रहता है। यथा बुब्बुलकं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकं एवं लोक अवेक्षन्तं मच्छुराजा न पश्यति। जैसे आदमी बुलबुले को देखता है, जैसे मरु मरीचिका को देखता है, वैसे ही जो पुरुष लोक को देखता है
उसकी ओर यमराज आंख उठाकर नहीं देखता। एथ पश्यथि मंगलोकं चित्तं राजरथूपमं यत्थ बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतं। आओ विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, इसमें मूढ़ जन आसक्त होते हैं, ज्ञानी आसक्त नहीं होते। यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छासो न पमज्जति सोमलोकं पभासेति अभामुत्तो वचन्दिमा। जो पहले भूल करके फिर भूल नहीं करते, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करते हैं। यस्स पापं कतंकम्मं कुसलेन पिथियति सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो वचन्दिमा। जो अपने किए पाप कर्म को कुशल कर्म से ढक देता है, वो मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपस्सति सकुंतो जालमुत्तो अपो सग्गाय गच्छति। ये संसार अंधा है, यहाँ थोड़े ही देखते हैं, जाल से मुक्त पंछियों की तरह थोड़े ही स्वर्ग को जाते हैं। हंसादिच्च पथेयन्ति आकाशे यन्ति धिया नियन्ति धीरा लोकम्मा जेत्वा मारं सवाहनं। हंस आकाश में उड़ते हैं, रिद्धि बल प्राप्त आकाश मार्ग से जाते हैं और सेना सहित मार्ग को जीत लेने पर धीर जन लोक से निर्वाण को जाते हैं। एकं धम्मं अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो वितिन्न परलोकस्स नत्थि पापं अकार्यं। जो इस एक नियम को लांग गया है, जो मिथ्याभाषी है और जिसको परलोक का ख्याल नहीं, वो आदमी किसी भी पाप कर्म को कर सकता है। नवे कदरिया देवलोकं वजन्ति बाला हवे नप संसंति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेने वसो होति सुखी परथ। कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, मूर्ख लोग दान की प्रशंसा नहीं करते, धैर्यवान व्यक्ति दान अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी होता है। पथव्या एकरज्येन सग्गस्स गमनेन वा सब्बलोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलं वरं। अकेले पृथ्वी का राजा होने से, स्वर्ग जाने से, सभी लोकों का अधिपति होने से भी अधिक श्रेष्ठ है श्रोतापत्ति फल। बुद्ध वग्गो। यस्स जितं नावजीयति जितं यस्स नो याति कोचि लोके तं बुद्धमनंत गोचरं अपदं केन पदेन निसथ। जिसकी जीत हार में परिणत नहीं हो सकती, जिसकी जीत को लोक में कोई नहीं पहुंच सकता, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। यस्स जालिनी विसत्तिका तन्ना नत्थि कुहिंचि नेतवे तं बुद्ध मनंत गोचरं अपदं केन पदेन निसथ। जिसे जाल फैलाने वाली विषय रूपी तृष्णा लोक में कहीं भी नहीं ले जा सकती, उस अपद अनंत ज्ञानी बुद्ध को तुम किस उपाय से अस्थिर कर सकोगे। ये झाण पसुता धीरा नेखम उपसमेरता देवापि ते सं पिहन्ति संबुद्धानं सतीमतं। जो धीरवान है, ध्यान में रत है, त्याग और उपशमन में लगे हैं, उन स्मृतिमान बुद्धों की देवता भी प्रशंसा करते हैं। किच्छो मनुष्य पटिलाभो किच्छं मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म सवणं किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि मुश्किल से मिलती है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है, सद्धम्म का सुनना मुश्किल से मिलता है,
और बुद्धों का जन्म मुश्किल से होता है। सब पापस अकरणं कुसलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। सब प्रकार के पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, चित्त को निरंतर परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का शासन है। खन्ति परमं तपोतितिक्खा निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पब्बजितो परूपघाती समणो होती परं विहेठ्यंतो। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्वाण को परम श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रव्रजित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा ना देने वाला ही श्रवण होता है। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च संवरो मतयुता च भत्तस्मिं पंतं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान शासनं। किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, भिक्षु नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना, बैठना, चित्त को योगाभ्यास में लगाना, यही है बुद्धों की शिक्षा। न कहा पणवस्सेन तित्ति कामेषु विज्जति अपस्सादा दुखा कामा इति वियाय पंडितो अपि दिग्भेषु कामेषु रतिंसो नाधिगच्छति तन्न क्षयरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। कार्षापणों की वर्षा होने से भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले हैं, दुखद हैं, ये जानकर पंडित जन दिव्य काम भोगों में भी रति नहीं करते और सम्यक संबुद्ध का शिष्य तृष्णा के नाश करने में लगा रहता है। बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुख चेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमं नेतं शरणमागम सब दुःखापमुच्यति। भय के मारे मनुष्य पर्वत वन उद्यान वृक्ष चैत्य आदि बहुत चीजों की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये शरण गमन कल्याण कर नहीं, उत्तम नहीं। इन शरणों को ग्रहण करके कोई सारे के सारे दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मपय्याय पश्यति दुःखं दुःख समुपादं दुःखस्य अतिक्रमं अरियं च अट्ठंगिकं मग्गं दुःखोपशमगामिनं एतं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तमं एतं शरणमागम सब दुःखापमुच्यति। जो बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करता है, जो चार आर्य सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखता है, दुख दुख की उत्पत्ति दुख का विनाश दुख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसका ये शरण गमन कल्याणकर है, यही उत्तम शरण है। इस शरण को ग्रहण करके मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दुर्लभो पुरिसाजयो नसो सबत्थ जायति यत्थसो जायति धीरो तकुलं सुखमेधति। श्रेष्ठ पुरुष का जन्म दुर्लभ है, वो सब जगह पैदा नहीं होता। जिस कुल में वो धीर पैदा होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो। बुद्धों का जन्म सुख कर है, सद्धम्म का उपदेश सुख कर है, संघ में एकता का होना सुख कर है,
और सुखकर है मिलकर तप करना। पूजा रहे पूजयतो बुद्धे यदि वसावके पपंच समतिकंते तिन्न शोक परिद्धवे ते तादि से पूजयतो निबुते अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुं इमेत्तमिति केनचि। पूजनीय बुद्धों अथवा उनके शिष्यों जो संसार के प्रपंच से छूट गए हैं, जो शोक भय को पार कर गए हैं, उनकी पूजा करके या उनके जैसे मुक्त और निर्भय पुरुषों की पूजा करके उनके पुण्य के परिमाण को इतना है ऐसा करके कोई बता नहीं सकता। सुखवग्गो सुसुखं वत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो वेरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैर करने वाले मनुष्यों में अवैरी बने रहकर हम सुखपूर्वक जीते हैं, वैरी मनुष्यों में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। सुसुखं वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। रोगी मनुष्यों में रोग रहित होकर हम सुखपूर्वक जीते हैं, रोगी मनुष्यों में हम स्वस्थ बने रहकर विहार करते हैं। सुसुखं वत जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त बने रहकर हम सुखपूर्वक जीते हैं, आसक्त मनुष्यों में हम अनासक्त बने रहकर विहार करते हैं। सुसुखं वत जीवाम एसं नो नत्थि किंचनं पीति भक्खा भविष्याम देवा आभस्सरायथा। जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं अहो हम सुखपूर्वक जीते हैं, हम आभास्वर देवताओं की तरह प्रीति का भोजन करके रहेंगे। जयं वैरं पसवति दुःखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं। जय से वैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, जय पराजय दोनों को छोड़कर शांत मनुष्य सुखपूर्वक सोता है। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो कलि नत्थि खंद समा दुखा नत्थि संति परं सुखं। राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान मल नहीं, पांच स्कंदों के समान दुख नहीं, शांति से बढ़कर सुख नहीं। जिगच्छा परमारोगा संखारा परमा दुखा एतं यत्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार परम दुख है, इस यथार्थ को जानने वाले को निर्वाण परम सुख है। आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमायाति निब्बानं परमं सुखं। आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख। पविवेक रसं पित्वा रसं उपसमस्सच निद्दरो होति निपापो धम्म पीति रसं पिवं। एकांतवास तथा शांति के रस को पान कर आदमी निडर होता है और धम्म के प्रीति रस को पान कर होता है निष्पाप। साधु दस्सन मरियानं सन्निवासो सदा सुखो अदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया। सत्पुरुषों का दर्शन करना अच्छा है, सत्पुरुषों की संगति सुखकर है, मूर्खों का दर्शन न होने से ही आदमी सुखी रहता है। बाल संगत चारी ही दीघ मध्यान सोचति दुखो बाले ही संवासो अमित्ते नेव सबदा
धीरो च सुख संवासो याति नव समागमो। मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घ काल तक शोक करता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दुखदाई होती है और धैर्यवानों की संगति बंधुओं की संगति की तरह सुखदाई होती है। तस्माहि धीरं च पञ्यच्च बहुसुतं च घोरैः शीलं वतवन्तमर्यं तं तादिशं सप्रिशं सुमेधं भजेत नखत पथं वचन्दिमा। इसलिए धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, उद्योगी, व्रती, आर्य तथा सुबुद्ध सत्पुरुष की संगति करे, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का सेवन करता है। पियवग्गो। अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिं च अयोजयं अत्थं हित्वा पियग्गाहि पिहे तत्तानु योगिनं। अपने को उचित कार्य में न लगा, अनुचित कार्य में लगा, सदर्थ को छोड़कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्मानुयोगी की स्पृहा करनी चाहिए। मा पियेहि समागच्छि अप्येहि कुदाचनं पियानं अदस्सनं दुःखं अप्यानं च दस्सनं। प्रियों का साथ मत करो, अप्रियों का साथ भी न करो। प्रियों का दर्शन दुखद होता है, अप्रियों का दर्शन दुखद होता है। तस्मा पियं न कैराथ पिया पायो हि पापको गंथा ते संग न विज्जन्ति ए संग नत्थि पिया पियं। इसलिए किसी को प्रिय न बनाए, प्रिय का नाश बुरा लगता है, उसके दिल में गांठ नहीं होती, जिनके प्रिय अप्रिय नहीं होते। पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं पियतो विपमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं। प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय। जो प्रिय से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं पेमतो विपमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं। प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय। जो प्रेम से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं रतिया विपमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं। राग से शोक उत्पन्न होता है, राग से भय। जो राग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं कामतो विपमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं। काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय। जो काम भोग से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। तन्हाय जायते सोको तन्हाय जायते भयं तन्हाय विपमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं। तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय। जो तृष्णा से मुक्त है उसे शोक नहीं तो भय कहाँ से होगा। शीलवत्सन संपन्नं धम्मठं सच्चिवादिनं अत्तनो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते पियं। जो शीलवान है, जो विद्वान है, जो धम्म में स्थिर है, जो सत्यवादी है, जो अपने काम को करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को लोग प्यार करते हैं। छंद जातो अनखातो मनसाच फुटोसिया कामे सुच अपटिबद्ध चित्तो उद्धं सोतो ति उच्चति। जिसको निर्वाण की अभिलाषा है, जिसने उसे मन से स्पर्श कर लिया है, जिसका चित्त
काम भोगों में संलग्न नहीं है वो ऊर्ध्व स्रोत कहलाता है। चिरप्पवासिं पुरिसं दुरतो सोथि मागतम यतिमित्ता सुहज्जा च अभिनंदति आगतम तथेव कतपुञ्यमि अस्मा लोका परंगत पुञ्यानि पतिगण्यन्ति पियं यातीव आगतम। चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटते पर जाति बंधु और मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्मा पुरुष के इस लोक से परलोक जाने पर उसके पुण्य उसका स्वागत करते हैं, जैसे ज्ञाति बंधु अपने प्रिय व्यक्ति का। कोधवग्गो कोधं जहे विपजहे यमानं संयोजनं सब्बमतिक्कमेय तं नाम रूपस्मिं असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। क्रोध को छोड़ दें, अभिमान को छोड़ दें, सब बंधनों का अतिक्रमण कर जाए, ऐसे व्यक्ति को जो नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो परिग्रह से रहित है, दुख नहीं होता। यो वे उपतितं कोधं रथं भन्तं वधारये तमहं सारथि ब्रूमि रश्मि गाहो इतरो जनो। जो आए हुए क्रोध को उसी तरह रोच ले जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ को, उस आदमी को मैं असली सारथी कहता हूँ, दूसरे लोग तो केवल रस्सी पकड़ने वाले भर हैं। अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं। क्रोध को अक्रोध से, बुराई को भलाई से, कंजूसपन को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। सच्चं भणेन कुज्जेय दज्जापस्मिं पियाचितो एते हि तीहि ठाने हि गच्छे देवान संतिके। सत्य बोले, क्रोध ना करे, मांगने पर थोड़ा रहते भी दे, इन तीन बातों के करने से आदमी देवताओं के पास जाता है। अहिंसकाय मुनयो निच्चंकायेन संता ये यन्ति अच्युतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे। जो मुनिजन अहिंसक हैं, जो शरीर से सदा संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त होते हैं जहाँ जाने पर शोक नहीं होता। सदा जागरमानानं अहोरत्तानु सिक्खिनं निब्बानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा। जो सदा जागरूक रहते हैं, जो रात दिन सीखने में लगे रहते हैं, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। पौराण मेतं अतुल नेतं अज्जतनामिव निंदन्ति तुन्निमासिनं निंदन्ति बहुभाणिनं मीतभाणिनं पि निंदन्ति नत्ति लोके अनिंदितो न चाहु न च भविष्यति न चेतरहि विज्यति एकंतं निंदितो पोसो एकंतं वापसंसितो। हे अतुल, ये बात पुरानी है, आज की नहीं। चुप बैठे रहने वाले की भी निंदा होती है, बहुत बोलने वाले की भी निंदा होती है, कम बोलने वाले की भी निंदा होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी निंदा ना होती हो। ऐसा आदमी जिसकी या तो बिल्कुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो या निंदा ही निंदा, ना हुआ है ना है ना होगा। यंचे वियूं प्रशंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे अच्छिद्ध उत्तिं मेधाविं पय्याशील समाहितं नेखं जंबो नदस्येव कोतं निंदितुमरहति देवापितं पसंसंती।
ब्रह्मो नापि प्रशंसितो। जिस आदमी की प्रशंसा विज्ञ लोग सोच विचार कर प्रतिदिन करते हैं, उस दोष रहित मेधावी प्रज्ञाशील से युक्त जाम्बुनत की अशर्फी के समान आदमी की निंदा कौन कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वो प्रशंसित होता है। कायपकोपं रखेय कायेन समुतोषिया काय दुचरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे। काय की चंचलता से बचो, काया का संयम रखो, शारीरिक दुश्चरित्र को छोड़कर शरीर से सदाचरण करो। वची पकोपं रखेय समुतोषिया वची दुचरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे। वाणी की चंचलता से बचो, वाणी का संयम रखो, वाणी का दुश्चरित्र छोड़कर वाणी का सदाचरण करो। मनोपकोपं रखेय मनसा संतोषिया मनो दुचरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे। मन की चंचलता से विरत रहो, मन का संयम रखो, मन का दुश्चरित्र छोड़कर मानसिक सदाचरण का आचरण करो। कायेन संताधीरा अथो वाचाय संता मनसा संताधीरा तेवे सुपरिसंता। जो काया से संयत हैं, जो वाणी से संयत हैं, जो मन से संयत हैं, वे ही अच्छी तरह से संयत कहे जा सकते हैं। मलवग्गो पंडुपलासो वदानिसी यम पुरिसापि च तं उपठिता वियोग मुखे च तिठसी पाथे यम्पी च तेन विज्जति। इस समय तू पीले पत्ते के समान है, तेरे पास यमदूत आ खड़े हुए हैं, तेरे प्रयाण की तैयारी है और तेरे पास पाथे भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो खिप्पं वायं पंडितो भव निद्धन्तमलो अनंगणो दीपं अर्य भूमि मेहिसि। इसलिए अपने को द्वीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तू दिव्य आर्य भूमि को प्राप्त करेगा। उपनीतवयो च दानिसी संपयातोस्ति यमस्य संतिके वासोपि च नत्ति अंतरा पाथेयम्पि च तेन विज्जति। तेरी आयु समाप्त हो गई है, तू यम के पास आ पहुंचा है, तेरे लिए रास्ते में निवास स्थान भी नहीं है और तेरे पास पाथे भी नहीं है। सो करो हि दीपमत्तनो खिप्पवायं पंडितो भव निद्धन्त मलो अनंगणो न पुनः जाति जरं उपेहिसि। इसलिए अपने को द्वीप बनाओ, जल्दी उद्योग करके पंडित बनो, मल रहित दोष रहित होकर तू जन्म और बुढ़ापे के बंधन में नहीं पड़ेगा। अनुपबेन मेधावी थोक थोकं खणे खणे कम्मारो रजतस्येव निद्धमे मलमत्तनो। जिस प्रकार सोनार चांदी के मल को दूर करता है, उसी प्रकार मेधावी पुरुष प्रतिक्षण थोड़ा थोड़ा करके अपने दोषों को दूर करे। अयसाव मलं समुठितं तदुठाय तमेव खादति एवं अतिधोन चारिनं सानि कम्मानि नयन्ति दुग्गतिं। लोहे से उत्पन्न मोर्चा लोहे से पैदा होकर लोहे को ही खा डालता है, उसी प्रकार अति चंचल मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। असज्जाय मलामंता अनुठान मलाघरा मलंग वर्णस्य को सज्जं पमादो रखतो मलंग। जाप नहीं करना मंत्रों का मल है, मरम्मत नहीं करना घरों का मल है, आलस्य शरीर के सौंदर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है। मलित्थिया दुचरितं
मच्छेरं ददतो मलं मलावे पापका धम्मा अस्मिं लोके परमिच। दुश्चरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूस होना दाता का मल है, और पाप कर्म इस लोक परलोक में मल है। ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो। लेकिन इन सब मलों से बढ़कर है अविद्या, भिक्खुओं इस मल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवं अहिरिकेन काकसूरेन धनसिना पक्खंदिना पगभेन संकिलिठेन जीवितं। पाप के प्रति निर्लज्ज, कौवे के समान छीनने में सूर, परहित विनाशक, पतित, उत्संकल और मलिन बनकर जीवन व्यतीत करना आसान है। हिरिमता च दुज्जीवं निच्चं सुजिकवेसिना अलिनेन पगभेन सुद्धा जीवेन पस्सता। लेकिन पाप के प्रति लज्जाशील, नित्य ही पवित्रता का विचार करते हुए, आलस्य रहित, उत्संकलता रहित, शुद्ध आजीविका के साथ विचारवान बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन है। यो पाणमति पातेति मूसावादं च भासति लोके अदिन्न आदियति परदारं च गच्छति सुरा मेरय पानं च यो नरो अनुयुञ्जति इदेव मे स्वलोकस्मिं मूलं खनति अत्तनो। जो हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री गमन करता है और जो मद्यपान करता है, वो आदमी यहीं इसी लोक में अपनी जड़ खोदता है। एवं भोपुरिस जाना ही पाप धम्मा असंयता मातं लोभो अधम्मो च चिरं दुखाय रंधयुं। हे पुरुष, इसलिए ऐसा जानकर कि असंयत पापी होते हैं, तुझे लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ना बांधे। ददाति वे यथा सद्धं यथा प्रसादनं जनो तत्थवो मंकु भवति परे संग पान भोजने नसो दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लोग अपनी अपनी श्रद्धा और प्रसन्नता के अनुसार दान देते हैं। जो दूसरों के खाने पीने में असंतोष प्रकट करता है, उसको न रात को शांति प्राप्त होती है न दिन को। यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्चं समूहतं सवे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति। लेकिन जिसमें ये भाव जड़ मूल से जाता रहा है, वो रात को भी दिन को भी सदा शांति से रहता है। नत्थि राग समो अग्नि नत्थि दोष समो गहो नत्थि मोह समं जालं नत्थि तन्ना समानदि। राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं, और तृष्णा के समान नदी नहीं। सुदस्सं वज्जमये सं अत्तनोपनदुद्दसं परे सं हिसो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं अत्तनोपन छादेति कलिंग कितवासठो। दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को जो भूसे की भांति उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को ऐसे ढकता है जैसे बेईमान जुवारी पासे को छुपाता है। परवज्जान पस्सिस निच्चं उज्जान सैनो आसवातस्स वर्धन्ति आरासो आसवखया। दूसरों के ही दोष देखते फिरने वाले के, सदा चिढ़ते रहने वाले के आश्रव बढ़ते हैं। ऐसा आदमी आश्रवों के क्षय से दूर है। आकाशेव पदं नक्थि समणो नक्थि बाहिरे पपंचाभिरता पजा
निपपंचा तथागता। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, लोग प्रपंच में लगे रहते हैं, तथागत निष्प्रपंच हैं। आकाशेव पदं नक्थि समणो नत्थि बाहिरे, संखारा सस्सता नत्थि नत्थि बुद्धानमीयतं। आकाश में चिन्ह नहीं, श्रमण आर्य अष्टांग मार्ग के बाहर नहीं, संस्कार नित्य नहीं है और बुद्धों में अस्थिरता नहीं है। धम्मठ वग्गो न तेन होति धम्मठो एनत्थ सहसानय, यो च अत्थं अनत्थं च उभो निच्छेय पंडितो। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे, धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोति पौच्यति। जो आदमी सहसा किसी बात का निश्चय कर दे वो धम्म स्थित नहीं कहलाता। जो पंडित जन अर्थ अनर्थ दोनों का अच्छी तरह से विचार कर धीरज के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करता है वही मेधावी धम्म स्थित कहलाता है। न तेन पंडितो होति यावता बहुभासति, खेमी अवेरि अभयो पंडितो तिप उच्चति। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं होता, जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय होता है वही पंडित कहलाता है। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति, सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं होता, थोड़ा भी सुनकर जो काया के अनुसार धम्म का आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता वही धम्मधर है। न तेन थेरो होति येन स पलितं सिरो, परिपक्को वयो तस्स मोघ जिन्नोति उच्यति। सिर के बाल पकने से कोई स्थिर नहीं होता, उसकी आयु पकी रहती है, वो व्यर्थ में ही वृद्ध कहलाता है। यमी सच्चं च धम्मो च अहिंसा संयमो दमो, सवे वंतमलो धीरो थेरोति पौच्यति। जिसमें सत्य धर्म अहिंसा संयम और दमन है वही विगत मल धीर स्थविर कहलाता है। न वाक्करणमत्तेन वन्न पोखरताय वा, साधु रूपो नरो होति इसुकी मच्छरी सठो, यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलधच्चं समूहतं, सवंत दोसो मेधावी साधु।